Hello students, welcome to the e-learning class of MBBM. Today in class 2nd maths, we are going to study our last chapter of Compu, that is chapter 17 data handling. बच्चों इस चैप्टर में हम डाटा हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे, तो आइए सबसे पहले हम इसे कंसेप्ट्स को जानते हैं। ठीक, आपको क्या करना है, स्क्रीन बोर्ड पे चैप्टर चलता रहेगा, आपको अपने सामने अपनी बुक को ओपन करके रखना है और मेरी वॉइस में, मेरी आवाज़ में आपको इस चैप्टर को समझने का प्रयास करना है। कंसेप्ट्स, डाटा मीन्स फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। डाटा का मतलब होता है तथ्य और सूचनाएं। डाटा इज कलेक्टेड फॉर कंपैरिजंस, कैलकुलेशंस। डाटा का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं? डाटा इज कलेक्टेड फॉर कंपैरिजंस, कैलकुलेशंस। डाटा को हम इकट्ठा क्यों करते हैं? तुलना करने के लिए, जोड़ने के लिए, यानी कैलकुलेशन करने के लिए, आंसरिंग क्वेश्चंस, क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, और जो कठिनाइयाँ होती हैं उनको, उनका समाधान करने के लिए। डाटा कैन बी कलेक्टेड बाय आस्किंग क्वेश्चंस। डाटा को हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं? क्वेश्चंस पूछ के और बाय कंडक्टिंग अ सर्वे, और सर्वे करके। कलेक्टेड डाटा आर ऑर्गेनाइज्ड एंड देन प्रेजेंटेड। जो कलेक्टेड डाटा होता है यानी इकट्ठा किया हुआ जो डाटा होता है उसको पहले हम सही से ऑर्गेनाइज करते हैं, इसके बाद उसको प्रेजेंट करते हैं यानी किसी के सामने उसको दिखाते हैं। अ पिक्टोग्राफ इज़ अ मीन्स टू प्रेजेंट डाटा। पिक्टोग्राफ होता है, ये एक जरिया होता है डाटा को प्रेजेंट करने का, दर्शाने का। अ पिक्टोग्राफ यूजेस पिक्चर्स कॉल्ड सिंबल्स। पिक्टोग्राफ में क्या होता है, हम पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि चिन्ह जैसा होता है, एंड अ की टू रीड इट, और की होती है उसको समझने के लिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाटा के बारे में। डाटा इज़ द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फॉर कंपैरिजंस एंड कैलकुलेशंस। डाटा जो होता है वो सूचना होती है जो हम इकट्ठा करते हैं तुलना और कैलकुलेशंस करने के लिए। ठीक है, डाटा कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन। वी कलेक्ट डाटा फॉर कंपैरिजंस, कैलकुलेशंस, आंसरिंग क्वेश्चंस एज वेल एज सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। डाटा कलेक्शन इज मेड बाय आस्किंग स्पेसिफिक क्वेश्चंस और बाय मेकिंग अ सर्वे। डाटा कलेक्शन जो है वो हम दूसरों से क्वेश्चंस करके और एक सर्वे करके डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। एग्जांपल देखिए, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। एक क्लास में 40 बच्चे हैं। द क्लास टीचर आस्क ईच स्टूडेंट द नेम ऑफ हिज फेवरेट स्पोर्ट। क्लास टीचर ने क्या किया, कक्षा अध्यापिका ने क्या किया कि हर एक बच्चे से उसका फेवरेट गेम पूछा। ठीक है, द चिल्ड्रन गिव आंसर्स विच आर काउंटेड एंड ऑर्गेनाइज बाय द क्लास टीचर एज शोन इन द टेबल गिवन बिलो। बच्चा जो आंसर देगा उसको टीचर जो है वो एक जगह नोट करती जाएगी कि किस बच्चे ने क्या आंसर दिया, और फिर उसे ऑर्गेनाइज करके यानी उसको एक टेबल में सजा कर और फिर उसको पेश करेगी। बच्चों अब हम आते हैं पेज नंबर 127 पर। रिमेंबर द आंसर्स ऑफ द स्टूडेंट्स आर नथिंग बट डाटा। हमें ये याद रखना है कि बच्चों ने जो जवाब दिया है वही हमारा डाटा है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए टेबल बनी हुई है, फेवरेट स्पोर्ट बास्केटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल, टेबल टेनिस, टोटल यहाँ पे 5 स्पोर्ट्स के नाम दिए हुए हैं। और फिर बच्चे ने जो जवाब दिया नहीं कि बास्केटबॉल कितने बच्चों ने पसंद किया, बैडमिंटन को कितने बच्चे पसंद करते हैं, ऐसे दिया हुआ है। ठीक, तो बास्केटबॉल को कितने बच्चे करते हैं, देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है 10 बच्चे बोले होंगे, बैडमिंटन को 7 बच्चों ने बोला होगा, हॉकी को 5 बच्चों ने, फुटबॉल को 12 बच्चों ने, टेबल टेनिस को 6 बच्चों ने, फिर इन सभी को हम मिला देंगे तो टोटल कितने बच्चे आएंगे, 40 बच्चे होंगे। ठीक है, अब इसको प्रेजेंट करेंगे। द अबव डाटा कैन बी प्रेजेंटेड इन मेनी वेज। दिए गए डाटा को हम कई प्रकार से प्रेजेंट कर सकते हैं। इन दिस क्लास वी शैल लर्न हाउ टू प्रेजेंट डाटा यूजिंग अ पिक्टोग्राफ। इस क्लास में हम यही सीखेंगे कि हम पिक्टोग्राफ यानी सिंबल्स का इस्तेमाल करके डाटा को कैसे दर्शा सकते हैं। अ पिक्टोग्राफ फॉर द अबव डाटा में लुक लाइक द वन गिवन बिलो। पिक्टोग्राफ नीचे ऊपर दिए गए डाटा को दर्शा रहा है जो कि नीचे दिया गया है। देखिए बास्केटबॉल, यहाँ पे देखिए स्माइली बनी हुई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 स्माइली है यानी 10 बच्चों ने पसंद किया है। फिर बैडमिंटन में है, फिर हॉकी, फुटबॉल, टेबल टेनिस,
यानी स्माइली के जरिए हम बता रहे हैं कि कितने बच्चों ने उसे पसंद किया है। वेयर स्माइली इक्वल्स टू वन चाइल्ड, यहाँ पे एक स्माइली का मतलब एक बच्चा है, ठीक है। लेट्स स्टडी मोर पिक्टोग्राफ्स एंड नो व्हाट डू अ सिंबल एंड अ की मीन। अब हम और पिक्टोग्राफ को समझ कर बता सकते हैं कि हम कैसे पिक्टोग्राफ के माध्यम से डाटा को प्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों आप नेक्स्ट वाला खुद से समझने का प्रयास करिएगा। अब हम आते हैं पेज नंबर 128 पर। अब देखिए यहाँ पे द टेबल शोन अबव इज कॉल्ड अ पिक्टोग्राफ। जो ऊपर टेबल दी गई है यही क्या है, यही पिक्टोग्राफ है। नंबर टू देखिए, हियर इज़ अनदर पिक्टोग्राफ, यहाँ पे एक दूसरा पिक्टोग्राफ है। रीड इट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, ये दूसरे प्रकार का है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस भी आपको, इसके क्वेश्चंस भी आपको बताने हैं, ठीक है। देखिए विच स्पोर्ट हैड द मैक्सिमम वोट्स, यहाँ पे स्पोर्ट्स नेम दिया हुआ है, क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, स्विमिंग, फुटबॉल, टेबल टेनिस, और स्माइलीज बनी हुई हैं, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन है, जहाँ पर एक स्माइली का मतलब है पांच वोट, यानी एक स्माइली अगर बनी है तो पांच वोट हैं, ठीक है, और अगर चार स्माइली बनी है तो 20 वोट्स होंगे, ठीक। विच स्पोर्ट हैड द मैक्सिमम वोट्स, ये बोल रहा है कि कौन सा ऐसा स्पोर्ट है जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, तो जिसमें सबसे ज़्यादा स्माइली होगी वो सबसे ज़्यादा वोट पाया होगा, तो कौन सा है, फुटबॉल। देखिए फुटबॉल में सबसे ज़्यादा स्माइली 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्माइली बनी हुई है, ठीक है, यानी 6 स्माइली का मतलब है 30 वोट्स मिले हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप लिख देंगे इसका नाम फुटबॉल। विच स्पोर्ट हैड 25 वोट्स, कौन सा ऐसा स्पोर्ट है जिसको 25 वोट मिले हैं, तो जिसमें 5, क्योंकि 5 × 5 = 25 होता है, तो जिसमें 5 स्माइली बनी होगी उसी को 25 वोट्स मिले होंगे। 5 स्माइली किस में बनी है, स्विमिंग में, तो आप यहाँ स्विमिंग लिख दोगे। Which two sports had equal votes, कौन से ऐसे दो खेल हैं जिनको कि बराबर वोट मिले हैं, तो जिसमें बराबर स्माइली बनी होगी उन्हें बराबर वोट मिला होगा, कौन सी हैं ऐसी। देखिए हॉकी को देखिए, 2 स्माइली बनी है, और टेबल टेनिस में भी 2 स्माइली बनी है, यानी 10-10 वोट दोनों को मिले हैं, तो आप यहाँ दोनों गेम का नाम लिख दोगे, ठीक। अब बच्चों हम आते हैं एक्सरसाइज पर। रीड द गिवन बिलो पिक्टोग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यहाँ पे दिए गए पिक्टोग्राफ को आप रीड करिए, समझिए, और इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यहाँ पे देखिए एप्पल बना है, बनाना बना है, मैंगो बना है, पियर बना है, ऑरेंज बना है, गुआवा बना हुआ है, और कितने बच्चे इसको पसंद करते हैं वो बना है। एक इस वेयर स्माइली इक्वल्स टू 2 वोट्स, जहाँ पर एक स्माइली का मतलब है 2 वोट, ठीक। विच फ्रूट इज़ द मोस्ट पॉपुलर, अब आप गिन लीजिए, मोस्ट पॉपुलर का मतलब होता है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध इसमें कौन सा फल है, तो जिसमें सबसे ज़्यादा वोट होंगे यानी जिसमें सबसे ज़्यादा स्माइली होगी वही सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध होगा, तो इसमें सबसे ज़्यादा स्माइली किसमें है, देखिए मैंगो में सबसे ज़्यादा स्माइली है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे आंसर मैंगो। विच फ्रूट इज़ द लीस्ट पॉपुलर, कौन सा ऐसा फल है जो कि सबसे कम लोग पसंद करते हैं, तो जिसमें सबसे कम स्माइली होगी उसी को सबसे कम लोग पसंद करते होंगे, तो गुआवा, गुआवा में देखिए 3 ही स्माइली है, तो यहाँ पे आप गुआवा लिख दो। इसी प्रकार से बच्चों विच टू फ्रूट्स आर इक्वली पॉपुलर, कौन से ऐसे दो फल हैं जिनको समान वोट मिले हुए हैं, एक जैसे वोट मिले हैं, यानी बराबर स्माइली किस में बनी है, तो बराबर स्माइली किस में बनी है, देखिए बराबर स्माइली बनी है पियर और ऑरेंज में, तो आप पियर लिखोगे कॉमा लगा के ऑरेंज लिख दोगे, ठीक है। अमंग बनाना एंड एप्पल, बनाना और एप्पल में से विच फ्रूट इज़ मोर पॉपुलर, कौन सा फ्रूट, कौन सा फल ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो जिसमें ज़्यादा स्माइली होगी एप्पल बनाना में से वही सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध होगा, तो ज़्यादा स्माइली किस में है, एप्पल में या बनाना में, एप्पल में ज़्यादा है, तो आप लिख दोगे एप्पल, ठीक। इसी प्रकार से बच्चों आपको इसका बी वाला पार्ट भी सॉल्व करना है। तो ये चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त होता है। आप इस चैप्टर को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और एक्सरसाइजेस को पहले बुक में फिल करिएगा, समझकर उसके बाद बहुत ही साफ़ सुथरे ढंग से इसको कॉपी में उतारिएगा।